नमस्कार, मैं गायत्री हाउ टू मेक में आपका स्वागत करती हूँ। अभी चल रहा है ठंड का सीजन, तो मैं आपके लिए लाई हूँ उड़द दाल के ड्राई फ्रूट लड्डू। चलिए देखते कैसे बनाते हैं इसे हम। ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 kg नारियल, जिसे मैंने कटिंग करके रखा है। 1/2 kg मैंने यहाँ पर खा रख लिया, जिसे कटिंग करके रखी हुई है। यहाँ पर मैंने अखरोट लिया है, यह 100 ग्राम अखरोट है। 250 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं, 250 ग्राम काजू लिए हैं, 100 ग्राम मैंने खसखस लिया है, 50 ग्राम मैंने पिस्ता लिया है, 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पर गोंद लिया है और 250 ग्राम मैंने यहाँ पर उड़द की दाल ली हुई धुली हुई। इसे मैंने धोकर पहले एक दिन पहले धोकर सुखा दिया है, अभी सूख चुकी है। और यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मुझे गुड़ लेना है। और लिया है मैंने यहाँ पर जायफल, 2 जायफल लिए हैं। आप चाहो तो माजी फल भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ जायफल लिया है, 2 जायफल लिए हैं। आप चाहो तो मखाने भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है घी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है लड्डू बनाने के लिए। आप चाहो तो स्टील की भी ले सकते हैं या सिल्वर की, एल्यूमिनियम की भी ले सकते हैं। इसमें मैं घी डाल रही हूँ। घी आपको फ्राई करने के लिए लेना है कि आपकी फ्राई हो जाए। यहाँ पर मैंने अभी 300 ग्राम के आसपास घी है, 300 ग्राम के आसपास घी लिया है, जिसमें मैं ये सब फ्राई करूंगी। सबसे पहले मैं उड़द दाल डाल लेती हूँ। ये अच्छे से फ्राई हो गई है, ये आवाज़ से भी पता चल रहा है, अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए इसका कलर इतना चेंज हुआ है। अब मैं इसे निकाल के ठंडी करती हूँ, जब तक मैं दूसरे ड्राई फ्रूट तलती हूँ। अब मैं नारियल भी तल लेती हूँ। इन्हें भी हमको हल्का लाइट ब्राउन होने तक तलना है। इस तरह से आप पीस करके लंबाई में और फिर तलिएगा इन्हें। और छोटे पीस करना चाहो तो और भी कर सकते हैं छोटे। आप चाहो तो थोड़े थोड़े भी तल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर सभी एक साथ डाल दिए हैं। और बहुत ही ध्यान से तलना, आपको इसको छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना, क्योंकि घी बहुत जल्दी गर्म होता है। ये देखिए ये तल चुके हैं, मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ। गैस बिल्कुल कम रखना है आपको। आप चाहो तो कच्चे भी डाल सकते हैं नारियल, बाकी मैं तल के डालती हूँ। इससे क्या थोड़ा सेफ्टी रहती है, चाहे आप लड्डू महीने भर तक भी अच्छे से खा सकते हैं, इसमें खराब होने का कोई चांस नहीं रहता है तलने पर। खारक भी तल रही हूँ मैं। इसे अच्छे से चेक करिएगा, क्योंकि इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी तो ये मिक्सर ख़राब कर देगा। इसलिए अच्छे से फोड़ के सारी गुठलियों को निकाल के फिर तलिएगा आप इसे। इसे भी ज़्यादा नहीं तलना आपको, 3-4 मिनट तलना, हल्का लाइट हो जाए, ये भी थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, फिर से भी निकाल लेंगे हम। ये देखिए ये बिल्कुल हल्के से तले हैं मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए। अब इसे भी निकाल लेती हूँ मैं। ये काजू को भी फ्राई कर लेती हूँ। इसे भी 1-2 मिनट तक फ्राई करना है। इसी के जो नमी रहती है एक्स्ट्रा ऊपर, वो ख़त्म हो जाती है और इससे लड्डू सेफ रहते हैं हमारे। इसे भी निकाल लेती हूँ मैं। अब 1-2 मिनट तक तलना है आपको इनको। अब मैं गोंद फ्राई कर रही हूँ। ये गोंद फूल के अच्छे डबल हो जाते हैं। ये देखिए इसे भी आपको कम आंच पर ही करना है, तो तेज पे ये जल जाएंगे, मतलब मीडियम आंच रखनी है आपको। ये देखिए ये तल चुके हैं, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। आप भी चाहो तो इसे डबल जार का यूज़ करके बना सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा घी इसमें निकलता जाएगा। ये अखरोट को भी आप अच्छे से चेक करके फिर तलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी कीड़े पड़ते हैं, इसलिए मैं इसे भी तलूंगी।
क्योंकि इसमें भी कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई कर लिए हैं मैंने। अब आप इन लड्डुओं को चाहे तो 2 महीने भी रख सकते हो, कोई ख़राबी नहीं होगी इनमें। इसे भी हल्का सा ही फ्राई करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं करना है। काजू, बादाम और ये अखरोट, इसे तो मैंने 2-2 मिनट के लिए फ्राई करा है। बस निकाल लेती हूँ मैं इसे भी। अब मैं इन सभी को ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और यहाँ घी निकाल कर ये जो मेरी खसखस है, खसखस को और ये जो मैंने पिस्ता रखा है इसे हल्का सा ऐसे ही सेक लूँगी मैं, बिना बहुत ही कम घी में। चलिए देखते कैसे करना है। ये पिस्ता भी मैं हल्का सा ऐसे ही भून लेती हूँ बस। ये भून चुके हैं, अब मैंने निकाल लेती हूँ। खसखस को ये मैं हल्का सा भून लूंगी। खसखस भी भून गई है, देखिए फूल गई है ये। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इन सभी को, ये ठंडे हो चुके हैं, इन्हें मिक्सर में पीस लेती हूँ। आप चाहो तो एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लो या फिर दरदरा करो, मैं थोड़ा दरदरा तैयार करूँगी। ये देखिए मैंने सभी पीस लिए हैं और आपको सबको अलग अलग पीसना है। ये देखिए उड़द की दाल कितना अच्छा कलर आया है इसका, लाइट ब्राउन कलर आया है बिल्कुल। और ये सभी को मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। यहाँ पर ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें खसखस है ये। अब ये गुड़ जो है, ये गुड़ भी मैं इसमें डाल देती हूँ, ये पक जाएगा। इसे गुड़ को पिघलने देते हैं हम। ये देखिए इस तरह से ये गुड़ पूरा पिघल जाएगा। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, नहीं तो आप पानी डाल दो इसमें गुड़ को पिघलाने के लिए। देखिए चाहो तो आप बिल्कुल बारीक करके भी डाल सकते हैं। ये अच्छे से गुड़ पिघल चुका है। अब जो मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने रखे हैं बारीक करके, इन्हें डालूँगी एक एक करके। ये जायफल डाल रही हूँ मैं। सभी को डाल देती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। सभी को थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करिएगा, एक साथ नहीं मिक्स होएगा ये अच्छे से। मैंने इसमें अब घी नहीं डाला क्योंकि सबको मैंने फ्राई करा था, इसलिए मैंने अब घी नहीं डाला है इसमें। गैस को बिल्कुल कम पे रखना है आपको। और घी मैंने अभी बिल्कुल नहीं डाला है, जो मैंने फ्राई करा था बस वही घी है। आपको लगे कि घी कम है तो आप गरम करके लड्डू बांधते समय डाल सकते हैं। अब मैं पिस्ता डाल देती हूँ, अखरोट और ये नारियल और खारक डाल रही हूँ मैं। अब इनको सभी को डाल के मुझे अच्छे से मिक्स करना है। गैस अभी भी ऑन ही कर रखा है मैंने, बिल्कुल लो फ्लेम है, लेकिन क्योंकि ठंड का मौसम है और घी जम जाता है, इसीलिए मैंने इसे कढ़ाई में गैस को ऑन करके ही कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। अब आप चाहो तो ऐसे भी भान सकते हैं, और आपको अगर घी लगता है तो आप घी डाल सकते हैं। जो मैंने इसमें फ्राई करा था ये ड्राई फ्रूट्स, वही घी डाल रही हूँ मैं, इसे छान के डाल रही हूँ। और इसमें 300 ग्राम के आसपास घी लगा है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और घी को आपको गर्म करके डालना है। ये देखिए देखिए इस तरह से आप अच्छे से मिक्स करके घी को और फिर से लड्डू बना लीजिए आप। और ये गरम गरम बनाओगे तभी बनेंगे, ठंडा कर दोगे तो घी जम जाएगा वापस।
ये ठंडा हो जाए तो इसे आप वापस से गैस पे रखिए कढ़ाई को, और फिर गर्म कर लीजिए इस पूरे मिक्सचर को, फिर बनाइए लड्डू। ये देखिए लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरे ये लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।